हे गाइस, वेलकम टू स्पार्टन सब। सो आई होप गाइस अच्छे होंगे। सो गाइस, मैं गेस कर सकता हूँ अभी तक आप सबका अपडेट हो ही चुका होगा 0.19.0 का। और अगर अभी तक आपने अपडेट नहीं किया तो कोई टेंशन वाला बात नहीं है, 13th of July तक आप 0.18.0 को चला सकते हैं और उसके बाद आपको अपडेट करना ही पड़ेगा। तो जिस दिन आपके पास डेटा होगा उस दिन आप अपडेट कर सकते हैं 13 जुलाई के पहले, ठीक है। तो अभी जैसे कि आप देख पर 0.19.0 आ गया तो धीरे धीरे आपको सब इवेंट देखने को मिलेगा। जैसे कैरेक्टर वाउचर वाला भी इवेंट आएगा कुछ दिन बाद। अभी आप देख पर लिविंग एडवेंचर नाम का एक इवेंट आया और उसके साथ अचीवमेंट भी आया। तो आज हम लोग ये वीडियो में बात करने वाले हैं 0.19.0 का अचीवमेंट के बारे में। और इस बार जो अचीवमेंट है, कुछ कुछ अचीवमेंट अभी से आप कंप्लीट कर सकते हैं और कुछ कुछ अचीवमेंट के लिए आपको अगस्त का वेट करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता देता हूँ पूरा जितना भी अचीवमेंट है सबको समझा देता हूँ, जब भी आएगा आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो इन्वेंट्री नहीं, मिशंस में क्लिक करेंगे, अचीवमेंट में क्लिक करेंगे और इधर आप देख पर इसमें तो आया नहीं है गन वाला में। आप देख पर पहला जो अचीवमेंट है वो है पैनोलॉजी प्रोफेशनल। इसमें आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, 31 जुलाई को हम लोग का लाइब्रेरी मोड आएगा। और लाइब्रेरी मोड का आपको कॉन्सेप्ट बताया होगा, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। उसमें यह होता है कि आप एक वेपन से खेल नहीं सकते, पबजी मॉल खुद डिसाइड करेगा कौन सा वेपन आपको देना है। और एक बंदे को एक वेपन से मारने का दूसरा वेपन स्विच हो जाता है, टोटल आपको 18 वेपन मिलेगा। 18 वेपन में जो लास्ट वेपन रहेगा जिससे आप टर्मिनेट करेंगे, मतलब लास्ट बंदे को मारेंगे, वो होगा पैन। तो जैसे ही आप पैन से हिट करेंगे, मतलब पैन से मारेंगे लास्ट बंदे को, तो 3 बार अगर आप मारेंगे तो पहला वाला अचीवमेंट कंप्लीट होगा। और टोटल अगर आप 10, 20 एंड 50 अकॉर्डिंगली मार देंगे पैन से तो आपका पूरा अचीवमेंट कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा खासा आप बोल सकते हैं अचीवमेंट है, इजीली भी कर सकते हैं, बट उतना भी इजी नहीं होता क्योंकि आपका टीममेट को भी आपको बीट करना पड़ता है इनडायरेक्टली, और एनिमी को तो बीट करना ही पड़ेगा तभी इसमें जीतेगा, क्योंकि इसमें मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ही होंगे तभी जाके आपका यह अचीवमेंट कंप्लीट होगा। क्योंकि आपको ही पहला 18 किल करना होगा, दूसरा बंदा अगर 18 किल कर लेता तो जीतते हुए भी आप ये अचीवमेंट को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पैन से जो हिट होगा वो लास्ट वाला ही होगा और पैन से हिट करने के लिए आपको लास्ट तक जाना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला अचीवमेंट आपको समझ में आ चुका होगा, ये अभी नहीं होगा, 31 जुलाई से स्टार्ट होगा जब लाइब्रेरी मोड, तब जाके इसको आप यूज़ कर सकते हैं, मतलब ख़त्म कर सकते हैं। उसका सेकेंड जो अचीवमेंट देख रहे हैं वो नाम है लेजेंड ऑफ फिजोड। तो ये सिंपली आपको लिविक खेलना, एक मेरा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, सुबह को मैं एक मैच जीता भी हूँ। और जैसे मैं 3 मैच जीतता हूँ, 10 मैच जीतता हूँ, 20 जीतता और 50 जीतता हूँ, तो अकॉर्डिंगली मुझे भी रिवॉर्ड मिल जाएगा जैसे जैसे ये दिखा रहा है, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया, लिविक आपको सिंपली जीतना है। लिविक जीतना ज़्यादा हार्ड नहीं है, बट आपको थोड़ा होल्ड कर करके खेलना, बहुत ही एग्रेसिव फाइट हो रहा है। मैं बीटा वर्जन में खेल रहा था, नॉर्मल सा लग रहा था, बट जैसे ही ग्लोबल वर्जन में आया, बंदे लोग जो पुश कर रहे भाई, मेरा भी खुद हालत ख़राब हो जा रहा था। बहुत अच्छा मैप बनाया मुझे लग रहा है, अब एग्रेसिव फाइट जो करते हैं उसके लिए तो बेस्ट मैप है, साइनॉक्स ये फास्ट मैप है, जल्दी उतरो, लूटो और मारो। बहुत ही बेहतरीन मुझे लगा ये मैप का कॉन्सेप्ट, अच्छा काम किया पबजी। तो उसके बाद और जैसे कि पता है ये बीटा वर्जन में तो कुछ बग्स एंड ग्लिचेस आएगा, तो कोई टेंशन की बात नहीं, फाइनल प्रोडक्ट तक मैप अच्छा हो जाना चाहिए, वही मेरा एम रहता है, ठीक है। और थर्ड मैप देख पर इसमें तो कुछ अचीवमेंट नहीं आया, इसमें भी आया है कि नहीं, नहीं इसमें भी कुछ अचीवमेंट नहीं आया। सो गाइस, नेक्स्ट जो अचीवमेंट आप देख पा रहे हैं, एलाइट क्लैन कंप्लीट द वीकली पर्सनल एनर्जी ऑब्जेक्ट इन अ क्लैन फॉर 1 वीक। तो ये अचीवमेंट थोड़ा टाइम टेकिंग है, टोटल 30 वीक तक आपको करना होगा तभी जगह कंप्लीट होगा। चलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ये कैसे होगा। इसमें बोला है पर्सनल वीकली मिशन कंप्लीट करना होगा, आपको खुद का जो मिशन है क्लैन का उसको कंप्लीट करना। वो कैसे किया जाता है, वो ऑटोमेटिकली होता है, जगह मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि आप देख पर इसमें क्लैन ट्रेनिंग में क्लिक करेंगे, होता है कि आपका पूरा क्लैन करता है तो ये ऑटोमेटिकली ये जो बार देख पा रहे ये भर रहा है, तो ये आपका पर्सनल नहीं होता, बट ये जो आप देख पा रही है आपका पर्सनल होता है। तो ये जैसे आप कंप्लीट करेंगे तो एक दिन का होगा, तो आपको पूरा वीक में लगातार इसको कंप्लीट करना होगा, तब जाके 1 वीक का आपका कंप्लीट होगा वीकली चैलेंज, तब जाके पहला अचीवमेंट आपका कंप्लीट होगा। जैसे कि आप देख पा रहे इसमें अगर मैं सॉरी मिशंस अचीवमेंट इसमें चलता हूँ, तो इधर आप देख पा रहे पहला जो 1 वीक कम्प्लीटली अपना जो मिशन पर्सनल जो मिशन है उसको डेली का डेली कंप्लीट करना होगा 1 वीक तक, तभी जाके आपका पहला वाला अचीवमेंट कंप्लीट होगा। इसलिए मैं बताया ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, और टोटल 30 वीक तक आपका अपना पर्सनल जो मिशन होता है, आपका फ्रेंड जो कंप्लीट कर रहा है वो तो अलग ही है, उसको काउंट नहीं करना है, बट आपका खुद भी एक तो पर्सन आपका खुद भी एक पर्सनल जो मिशन होता है उसको कंप्लीट करेंगे, तब जाके ये अचीवमेंट कंप्लीट होगा। जैसे कि आप देख पाए कंप्लीट द वीकली पर्सनल, पर्सनल मतलब खुद का एनर्जी ऑब्जेक्ट इन द क्लैन फॉर 5 वीक। तो ये होता है आपका पर्सनल, ये जो मैं आपको दिखा देता फिर से, ये होता है आपका पर्सनल, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ ही चुका होगा वो अचीवमेंट कैसे कंप्लीट होगा, अपना पूरा वीक में, ऐसा नहीं कि एक दिन कंप्लीट करेंगे दूसरा दिन छोड़ देंगे तो वो काउंट होगा, नहीं, मंडे है तो संडे तक आपको डेली वीकली अपना पर्सनल वाला कंप्लीट करना है, क्लैन का हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, आपका खुद का कंप्लीट होगा तभी जाके आपका 1 वीक का कंप्लीट होगा, और तभी जाके आपका पहला
वीक का मिशन या अचीवमेंट कंप्लीट होगा। यही है एलाइट क्लैन वाला, ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, 30 वीक तक आपको डेली करना होगा तभी जाके होगा। और बीच में अगर मान लीजिए 1 वीक के बाद आप ब्रेक ले सकते हैं, जैसे 1 वीक आप कंप्लीट कर लिया, अचीवमेंट कंप्लीट हो गया, उसका 2nd वीक अगर आप नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। जब से आप स्टार्ट करेंगे तो उससे रेगुलर आपको 1 वीक करना होगा, बीच में गैप हो जाएगा तो वो अचीवमेंट कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि वो वीकली नहीं होगा, डेली डे हो जाएगा, वीक आपको बोला है तो वीक के लिए आपको 7 दिन करना होगा। और लास्ट जो अचीवमेंट हुआ है विटनेस द ट्रूथ, तो ये अचीवमेंट के लिए मैं अभी नहीं बोल सकता, क्योंकि ये अचीवमेंट के लिए शायद से मुझे लग रहा है कि जो हम लोग का अगस्त में अपडेट आएगा, अगस्त में अपडेट मतलब एंसेंट मोड आएगा, उसी में शायद ये अचीवमेंट रिलेटेड है, क्योंकि मैं जब ये जो अचीवमेंट मुझे समझ नहीं आ रहा था, इसमें बोला जा रहा है विटनेस द एस वर्जन एवल्यूशन और व्यू द कैरेक्टर बैकग्राउंड ऑफ अ एस मेंबर इन 510 इन स्पॉन आइलैंड। मुझे जितना लगता है विटनेस द ट्रूथ ये अचीवमेंट जो है ये जो एंसेंट मोड से उससे रिलेटेड है शायद से मुझे लग रहा है, क्योंकि जब मैं ऑफिसियल के साथ बात किया, जो पबजी का ऑफिशियल मॉडरेटर बीटा वर्जन, उन लोगों का कहना था कि ये नेक्स्ट अपडेट का कंटेनर, नेक्स्ट अपडेट मतलब अगस्त को भी वो लोग एक अपडेट की तरह ही पकड़ता है, जुलाई का अपडेट अलग होता है और अगस्त का अपडेट भले ही हम लोग अपडेट नहीं करना पड़ता, बट वो लोग मंथली वाइज उस सब पैच को या बोलते सब कंटेंट को देखता है। तो आपको पता चल गया होगा कि पहला मंथ जुलाई में कंप्लीट नहीं होगा बट अगस्त में एक चीज़ कंप्लीट होगा। बट अगर इसका दूसरा कुछ मीनिंग होगा मैं डेफिनेटली अलग से एक वीडियो बनाऊंगा और पूरा कंप्लीट करके दिखाऊंगा, बट ऑफिशियल के साथ बात करने के बाद मुझे ये पता चला कि ये हम लोग को अगस्त महीना में देखने को मिलेगा ये अचीवमेंट, ठीक है ना। तो ये चीज़ हम लोग और एक बार वीडियो बना के दिखाएंगे, बट बाकी जितना भी अचीवमेंट है मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया कैसे कंप्लीट करना है, इसके लिए हम लोग और एक वीडियो बनाएंगे डेफिनेटली जब ये स्टार्ट होगा। तो फिलहाल मेरा काम इतना है, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा डेफिनेटली थम्स अप दे सकते हैं, चैनल पर नया आएगा सब्सक्राइब कर दिए, सब्सक्राइब करें साथ बेल का आइकन तो उसको भी क्लिक कर, सही होगा जब भी नोटिफिकेशन मिलते रहेगा और आप मैं कोई वीडियो मिस नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।